नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और हम यहाँ पर कुछ एजुकेशनल वीडियोस डालते हैं और यहाँ पर हम डेली की डेली नेक्स्ट डे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, उसका एनालिसिस करने के बाद निफ्टी व्यू और बैंक निफ्टी व्यू भी रेगुलर बेसिस के ऊपर डालते हैं। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस चैनल पर अभी तक जो भी निफ्टी व्यू डाले गए हैं उन सब की एक्यूरेसी बिल्कुल 100% एक्यूरेट रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो जब इस चैनल के ऊपर अपलोड होए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत अपने मेल आईडी के ऊपर मिल जाए। तो हम बात करते हैं कि आगे निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, हम कोशिश करते हैं कि आगे निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अपने एनालिसिस के थ्रू। तो अभी हम निफ्टी व्यू की बात करेंगे कि कल ट्यूसडे के दिन क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने निफ्टी चार्ट के ऊपर। ये हमारा निफ्टी चार्ट खुल गया, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने वन डे की सेटिंग खोली हुई है और यहाँ पर मैंने दो लाइनें बना रखी हैं। पहली लाइन जो है वो है जो लोअर लेवल की जो लाइन है वो है 11,850 के आसपास और जो ऊपर लेवल के जो लाइन है वो है आपकी 12,150 के आसपास। ये जो लाइन बना रखी है ये है डिस्ट्रीब्यूशन फेस। इसके बारे में मैं अपनी रेगुलर वीडियोस और निफ्टी व्यूज़ के अंदर अपना बता ही रहा हूँ सब लोगों को कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस चल रहा है निफ्टी के अंदर। और इसकी जो इसके अंदर जब प्राइस एंटर हुआ था वो 30 अक्टूबर को एंटर हुआ था, तब से लेकर और अभी तक ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस चल ही रहा है निफ्टी व्यू के अंदर। तो आप यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि नीचे की जो लाइन है 11,850 की है और 12,150 की ऊपर की लाइन है। तो होता क्या है यहाँ पर कि जब भी प्राइस जो है नीचे की लाइन के आसपास आता है 11,850 के आसपास, तब तुरंत जो है वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ चले जाता है। और जब भी प्राइस जो है 12,150 के आसपास आता है तुरंत जो है प्राइस जो है वहाँ से रेसिस्टेंस लेने के बाद नीचे की तरफ आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये हो क्यों रहा है। एक्चुअली जब भी बड़े प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन फेस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग एक एवरेज प्राइस के ऊपर होती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि एक एवरेज प्राइस के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग उनकी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए, इसलिए वो एक रेंज के अंदर किसी भी इंडेक्स को या किसी भी स्टॉक प्राइस को रखते हैं। और जब तक उनकी प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती तब तक वो स्टॉक या कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स उसी प्राइस रेंज के अंदर घूमता रहता है। और जैसे ही वो वहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग ख़त्म कर लेते हैं तो तुरंत वहाँ पर इस रेंज को ब्रेकआउट मिल जाता है। तो अभी तक 30 अक्टूबर से लेकर और अभी तक जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के आसपास के अंदर ही जो है प्राइस निफ्टी का मूव कर रहा है और ये 300 पॉइंट की रेंज है, मैंने आपको बता दिया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही आज की जो ओपनिंग हुई 12,135 के आसपास हुई और वहाँ से जो है निफ्टी ने नीचे गिरना शुरू किया और जो वो 12,135 के आसपास जो ओपनिंग हुई वो आपका देख सकते हैं कि 12,000 ऊपर के लेवल जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रखा है उसके आसपास ही था। तो यानी कि आपको यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि ऊपर के लेवल्स के ऊपर जब जब निफ्टी का प्राइस आता है 12,150 के आसपास तुरंत FII जो होते हैं वो शॉर्ट पोजिशंस को क्रिएट कर देते हैं और प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। तो यहाँ पर भी आज वैसे ही हुआ, 12,135 के आसपास जो है निफ्टी ने पहुँचा सुबह सुबह तो वहाँ से नीचे की तरफ मार्केट गिरना शुरू हुआ। वहाँ पर FII ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट किया और निफ्टी के प्राइस को नीचे गिराया और निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 12,054 के आसपास। टोटल 80 पॉइंट्स का करेक्शन आपको वहाँ पर देखने को मिला आज। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये पूरा बेयरिश व्यू हमको प्राइजेक्शन के हिसाब से दिख रहा है। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप रुकिए, मैं आपको नेक्स्ट सेटअप के ऊपर लेकर जाता हूँ, आपके लिए लर्निंग रहेगी ये, आप इसको देखेंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पर भी मैंने वन डे का चार्ट लिया हुआ है और आप ये देख सकते हो कि जब मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में कुछ कहा था वेडनेसडे के बाद जो भी मैंने पोस्ट किया था वीडियोज़, वहाँ पर मैंने कहा था कि शॉर्ट कवरिंग होने के बाद प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं अगर उनका प्रॉफिट बुकिंग नहीं पूरा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के अंदर। तो वहाँ उसकी ऐसा ही हुआ, प्राइस को ऊपर लेके जाया गया FII के द्वारा, शॉर्ट कवरिंग हुआ। और आप यहाँ पे देख सकते हो
ये शॉर्ट कवरिंग जब हुआ तो प्राइस ऊपर की तरफ तो गया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गैप अप ओपनिंग ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया प्राइस को ऊपर लेके जाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 11,907 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ओपनिंग हुआ 11,944 का, यहाँ पर भी आप गैप अप ओपनिंग देख सकते हो। अब इस वाली कैंडल के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लोजिंग मिला आपको 11,970 के आसपास, गैप अप ओपनिंग हुआ आपका 12,032 के आसपास। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये गैप अप्स ओपनिंग की वजह से जो ये गैप्स क्रिएट हो गए हैं कैंडल्स के बीच में, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कोई भी गैप्स क्रिएट होते हैं कैंडल्स के बीच में तो मार्केट हमेशा, यूनिवर्सल रूल होता है ये कि गैप्स को पूरा कवर करने के लिए मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आता है अगर अपसाइड जाते हुए प्राइस ने गैप्स को क्रिएट किया है। अगर डाउनसाइड जाते हुए, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन इसके बाद प्राइस ने इस गैप अप को पूरा का पूरा कवर कर लिया, फिर प्राइस ऊपर गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गैप अप हुआ, यहाँ पर भी कुछ गैप अप हुआ आपको देख सकते हैं, लेकिन प्राइस ने इसको भी कवर कर लिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमको गैप अप्स मिल रहे हैं लास्ट थ्री कैंडल्स के अंदर, तो मुझे पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये गैप अप्स को, जो ये यहाँ पर गैप दिख रहे हैं कैंडल्स के बीच में, इसको भी कवर करने के लिए नीचे की तरफ प्राइस ज़रूर आएगा, और इसका गैप अप जो कवर हो जाएंगे तो तब दोबारा से ये प्राइस 11,850 के आसपास हमको दिख सकता है कुछ आने वाले दिनों के अंदर। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो भी मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ ये यूनिवर्सल रूल्स हमको बताते हैं मार्केट के और टेक्निकल्स हमको बताते हैं, तो इन्हीं बेनी के बेसिस के ऊपर आपको ये समझा रहा हूँ मैं कि ये क्यों हो सकता है और ये होता क्यों है, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ FII और DII के डाटा के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मनी कंट्रोल के ऊपर मैं इस डाटा को आपको डेली अपने निफ्टी एनालिसिस के अंदर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैश सेगमेंट के अंदर अभी तक नेगेटिव ही चल रहे हैं, -2,999 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग अभी नेट बेसिस के ऊपर इस मंथ के अंदर हुई है FII की। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि DII ने परचेजिंग की है 3,474 करोड़ की। तो अभी आप इसको एक तरीके से और एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ पर FII तो यहाँ पर नेगेटिव है, यानी कि अभी भी वो सेल कर रहे हैं कैश सेगमेंट के अंदर, और DII यहाँ पर एक सपोर्टिंग रोल अदा कर रहे हैं, वहाँ पर वो बाइंग कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि जो DII की बाइंग है नेट बेसिस के ऊपर वो 32,323 करोड़ की है नेट बेस, जो वहाँ पर उन्होंने बाइंग की है इस महीने के अंदर। लेकिन उसके अगेंस्ट में जो ये सेलिंग है, ये जो सेलिंग है यहाँ पर आपको दिख रही है 55,000 की है, जो कि 32 से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो डाटा है आपको दिख रहा है यहाँ पर कि FII एक तो नेगेटिव हैं, बेयरिश हैं यहाँ पर इस डाटा के ऊपर भी, और उनकी जो सेल का फिगर है वो 55,000 है, जो कि बहुत ज़्यादा है DIS की बाइंग के मुकाबले। तो यहाँ पर ये वाला डाटा भी हमको बेयरिश दिखाता है, और हमको, हमने देख ही लिया प्राइस एक्शन के ऊपर, वहाँ पर भी हमको बेयरिश साइन दिख रहे हैं। तो ये FII और DII का डाटा भी बेयरिश है, दोनों सेटअप हमारे बेयरिश दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप के ऊपर, जो कि हमारा है ऑप्शन चेन। तो आप यहाँ पर आपके देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11,500 के ऊपर आज 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा, चेंज इन ओपन, मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर हो चुका है, जो कि वहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12,000 के ऊपर यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो 12,100 के ऊपर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है आज, 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। टोटल 12,300 के ऊपर आप शॉर्ट बिल्डअप देख सकते हो, 12,200 के ऊपर भी शॉर्ट बिल्डअप देख सकते हो। तो जो भी मैं आपको प्राइस एक्शन के अंदर बता रहा था कि जैसे ही प्राइस ऊपर के लेवल के ऊपर आता है,
तो यही डाटा आपको वही सब चीज़ बता रहा है कि जैसे ही प्राइस जो है 12,100 या 12,200 के आसपास आता है, तुरंत शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, तो आपको ऑप्शन चेन भी यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटली अभी जो है शॉर्ट बिल्डअप हो चुका है ऊपर के लेवल्स के ऊपर। तो निफ्टी का अभी आने वाले कुछ 2 या 3 दिन के अंदर ऊपर के लेवल्स को तोड़कर ऊपर जाना बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, FII डाटा के हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। तो यहाँ पर आप बुलिश मत होना। टोटली मेरा निफ्टी व्यू का जो समराइज व्यू रहेगा कल के लिए वो यही रहेगा कि अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर गैप अप ओपनिंग मिला, तो अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो वहाँ पर से आपको दिखेगा कि निफ्टी का प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू होगा, क्योंकि ऊपर के लेवल्स के ऊपर बड़े प्लेयर्स ने शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट कर रखा है। तो आपको अगर ऊपर के लेवल के ऊपर निफ्टी का गैप अप ओपनिंग मिलता है तो वहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हो। और मेरा आज का जो व्यू रहेगा, समराइज्ड व्यू जो रहेगा, वो यही रहेगा कि निफ्टी सेल ऑन हाई। तो सेल ऑन हाई अगर करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। बुलिश मत रहिएगा जब तक कि 12,150 का लेवल ब्रेक नहीं होता है वन डे के क्लोजिंग के ऊपर। आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, जब तक कि हमारी ये वाली जो रेंज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, तब जब तक हमारा इस रेंज के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आपको बुलिश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी आपको कुछ भी कहता रहे, लेकिन टेक्निकल्स आपको यहाँ पे टोटली बेयरिश व्यू दे रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि टेक्निकल्स और डाटा पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पर मार्केट बेयरिश है, तो आपको भी बेयरिश चलना पड़ेगा मार्केट के अंदर, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो अभी अगर आपको ये हमारा आज का निफ्टी व्यू समझ में आया होगा, टेक्निकल्स के हिसाब से, डाटा पॉइंट के हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि कौन सा सेटअप जो है क्या बता रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट्स के अंदर आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई उसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हो अपना क्वेश्चन, और मैं उसका पूरा का पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। आप लाइव मार्केट के अंदर आपको कुछ भी स्टॉक रिकमेंडेशंस जो मैं करता हूँ लाइव मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो टेलीग्राम चैनल को लिंक भी ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन इसके अंदर, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी मेरी स्टॉक रिकमेंडेशन रहती हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट वो भी आप वहाँ पर पा सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। और लाइव मार्केट के अंदर जो भी पोजीशंस ले रहे होते हैं FII, लाइव मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो आप वहाँ पर आकर भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर भी आप ये सब चीज़ पा सकते हो। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पर मुझे फॉलो कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो भी, आज का निफ्टी व्यू भी जो समराइज्ड व्यू के अंदर मेरा निकल के आता है सेल ऑन हाई, और तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि सेल ऑन हाई क्यों करना है। तो अगर आपको समझ में आया है और आपको मेरा निफ्टी व्यू आप रेगुलर फॉलो करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, ताकि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स को फ़ायदा पहुँच सके। तो अभी के लिए मेरा समराइज्ड व्यू ये है कि सेल ऑन हाई इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लेवल्स जो हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेली रात को एक रात पहले शेयर कर देता हूं, तो आज भी करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख सकते हो कि मैं पर डे एक दिन पहले ही लेवल्स को शेयर कर देता हूं, तो आज भी करूंगा। आप वहां पे जाके उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो अभी के लिए धन्यवाद आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कल मिलते हैं, कल सुबह 9 बजे लाइव मार्केट के अंदर, और आपको हेल्प मिलेगा पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 3 बार मैंने आपको धन्यवाद किया, और आप भी चैनल को 2 या 3 लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे और रिटेल ट्रेडर्स का प्रॉफिट ज़रूर करवाएंगे, जो दूसरे रिटेल ट्रेडर्स को अभी तक सही डायरेक्शन नहीं मिल रही वहाँ तक इस चैनल को पहुंचाकर उनको सही डायरेक्शन, उनका प्रॉफिट ज़रूर करवाएंगे। थैंक यू सो मच।